नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, ये कहानी एक मोची होता है जो अपना काम सच्ची लगन से, सच्चे दिल से, सच्ची मेहनत के साथ किया करता है। मोची का काम सभी को पता होगा, जूते सिलने का होता है, जूते पुलिस का होता है। सुबह ही उसका काम है, वो डेली अपने टाइम टू टाइम कर किया करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है, वक्त गुजरते गुजरते उसे पढ़ाई भी करता होता है, उसकी पढ़ाई भी आगे आगे बढ़ती जाती है। तो जब कॉलेज में पहुंचता है, मोची कॉलेज में पहुंचता है, तो वहां पे उसका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है। अब उसके फ्रेंड सर्कल के लोग उससे बोलते हैं, यार तू मोची का काम करता है, तू मोची है, तू हमारे साथ अच्छा नहीं लगता, हमारे साथ चलता है और तेरा काम अच्छा नहीं है। तो मोची कुछ कहता नहीं है, मोची बस सुनता है और सुनकर उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। बिकॉज क्योंकि उसी काम से उनका पालन पोषण चल रहा होता है, उसके घर का खर्चा चल रहा होता है, तो और उसी की वजह से उसकी पढ़ाई भी चल रही होती है। तो मोची लोगों की बातें दिल पर नहीं लगाता। ऐसे काफ़ी टाइम हो जाता है, यही चीज़ लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं, लोग उसे बोलते रहते हैं, ठीक है, तेरा मोची का काम है, तेरा बेकार काम है, तू हमारे साथ रहता, हमारी संगत अच्छी नहीं है, तेरे साथ हम नहीं रह सकते। तो ऐसे फिर लास्ट में उसके ऐसा काफ़ी टाइम हो जाता है। अभी कहते ना कि मैं अगर आपको एक ही चीज़ से बोलता रहूँ तो आप भी इरिटेट होंगे। तो मोची भी, वो लड़का भी बात सुनकर इरिटेट होता है। एक दिन खुंदक लगी होती है, खुंदक में बोलता है, अच्छा तुम बताओ क्या करूं मैं, तुम मेरे को ऐसा बोलते हो, तुम्हें क्या पता मैं इस काम से अपने परिवार का खर्चा चला रहा हूं, मेरे परिवार का पालन पोषण, और मैं इसी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहा हूं, तुम्हें क्या पता इसकी वैल्यू। तब उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बताते हैं कि यार बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत सारी, अगर तू इतने हाई लेवल पर पढ़ाई कर रहा है तो क्यों ना कोई कोर्स की तैयारी कर, बहुत सारे कोर्स हैं, IAS कर, PCS कर, पुलिस ऑफिसर, कुछ भी कर, तैयारी कर सकता है। सो उसके बातों से अच्छी लगती है। सो उसके माइंड में आता है कि यार अगर मैं तैयारी करता हूँ तो डेफिनेटली पैसा भी लगेगा उसे फॉर्म फिलअप करने के लिए, और ऐसे बहुत सारी कंडीशनें होती हैं सो उसे फॉलो करने के लिए। सो उन सभी की बातों को मजाक में ले आता, उसे नॉर्मली समझता, छोड़ देता है। सो फिर ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। फिर उसके फ्रेंड खुद ही बोलते हैं कि यार इसे तो हम समझा के थक गए, इसे तो कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या करेगा ये। अब धीरे धीरे उसके फ्रेंड भी बोलना छोड़ देते हैं और उसे समझाना भी छोड़ देते हैं। अभी उसके दिल में लगती है बात कि यार अभी तो सबने मेरे से साथ बोलना भी छोड़ दिया और ये लोग मेरे से बातें भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर एक फ्रेंड को वो ज़बरदस्ती उससे बात करता है, कहता है चल यार तुम सबने मेरे साथ छोड़ दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुम सभी से बात करना चाहता हूँ, पर मेरा वो कारण है, अगर मैं उस काम को कर दूंगा तो शायद मेरी फैमिली का पालन पोषण अच्छी तरीके से, शायद मेरी पढ़ाई भी ना हो सके। तो उसका एक फ्रेंड होता है, जो बचपन का फ्रेंड होता है, वो उसे समझाता है कि देख तूने इतने हाई लेवल पर पढ़ाई कर ली है, आज हाई लेवल पर कर भी रहा है, कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए भाई मैं तुझे संभाल सकता हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं तेरा सपोर्ट कर सकता हूँ, तू तैयारी कर, जिस चीज़ की तैयारी करना चाहता है वो तू तैयारी कर। तो सभी लोगों से हैंड लेता, सारे लोग उसके सारे फ्रेंड एक ही चीज़ बोलते हैं कि भाई तू IAS की तैयारी कर। अभी मोची IAS की तैयारी करने लगता है। अभी जब तैयारी करते रहता तो भाई उसके घर के हालात थोड़े थोड़े डाउन होने लगते हैं, पर हाँ उसका फ्रेंड सपोर्ट करता है और तैयारी करता है, भाई एग्ज़ाम देता है, वैकेंसीज आती है, फॉर्म डालकर भाई एग्ज़ाम होता है, दो बार एग्ज़ाम देता है,
तो किसी न किसी कारणवश रह जाते हैं, फिर लगभग 2-3 साल बाद फिर फॉर्म डालता है। बहुत मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, दिन रात पढ़ाई करने के बाद फॉर्म फिलअप करता है भाई। फॉर्म फिलअप करने के बाद उस मोची का सिलेक्शन आईपीएस आईएएस ऑफिसर के लिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। सो वही मोची जिससे लोग बात नहीं करते थे, जिसे लोग उल्टा सीधा बोलते थे, उसी मोची की हर इंसान बात करता, हर इंसान उससे बात करना चाहता है। और वही उसका फ्रेंड सर्कल, जिस फ्रेंड सर्कल ने उसका साथ छोड़ा था, वही फ्रेंड सर्कल उसके पास जाते हैं अपने काम के लिए, अपनी प्रॉब्लम लेकर। और वो मोची, वो लड़का जो मोची होता है, जो आईएएस ऑफिसर बनता है, वो इंसान मना कर देता है, कहता मैं भी वही हूँ और तुम भी वही हो, तुमने मुझे छोड़ा था, आज मैं तुमको छोड़ता हूँ। सो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इस स्टोरी के माध्यम से बताना क्या चाहता हूँ कि किसी की कंडीशन देखकर मत छोड़ो यार। इंसान किसी के हालात नहीं देखता, छोड़ देता है बातें मार नहीं यार। हो सकता है उस इंसान की प्रॉब्लम, हो सकता है उसका रीजन, हो सकता है उसका पैशन हो, चलो हाँ रास्ता आपने तो दिखाया, बट मोची यार, मोची का हो सकता है उसका पैशन रहा हो इसलिए उस काम को करता है, या उसकी फैमिली का कारण था, गरीबी थी इसकी वजह से कर रहा हूँ। पर यार किसी का मजाक बनाना बहुत गलत है। मैं इस स्टोरी के माध्यम से किसी का मजाक ना बनाए यार। जो कोई इंसान जिस काम को कर रहा है उस काम में उसका सहयोग दे, सपोर्ट करें, उसे लताड़े नहीं। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच।